इनको पेरिस ओलंपिक चक्र के लिए कुल 70,45,775 की वित्तीय सहायता दी गई है, जिसका विवरण इस प्रकार है। बुधवार की सुबह जहां पूरा हिंदुस्तान सदमे में था, गोल्ड की आस टूटने से दुखी था, विनेश फोगाट की मेहनत उनके जज्बे को सलाम कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ मोदी जी के मंत्री विनेश फोगाट पर किए खर्चों की पाई पाई गिनवा रहे थे। संसद में खड़े होकर मनसुख मंडाविया अधिकारियों से मिली फाइल का एक एक पन्ना पलटकर एक एक आंकड़े को बड़े गर्व से पढ़ रहे थे। इनको पेरिस ओलंपिक चक्र के लिए कुल 70,45,775 की वित्तीय सहायता दी गई है, जिसका विवरण इस प्रकार है। स्पेन के ग्रेट पिक्स में भाग लेने के लिए वित्तीय सहायता, साथ ही 3 जुलाई से 13 जुलाई 2024 10 दिन तक मैड्रिड स्पेन के अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर के लिए अतिरिक्त वित्तीय सहायता, इसके अलावा फ्रांस के बुलोन सुमेर में पूर्व ओलंपिक प्रशिक्षण शिविर के लिए अतिरिक्त सहायता की है। 1,13,98,224 रुपये का आर्थिक सहयोग उसको किया गया था। 224 पेरिस ओलंपिक चक्र में भी टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम में 53,35,746 और वार्षिक ट्रेनिंग एवं स्पर्धा कैलेंडर में 17,10,000 कुल मिला के 17,45,775 रुपया हमारे खिलाड़ी को आर्थिक सहायता करके उसको सक्षम करा गया। सुना आपने, विपक्ष हंगामा करता रहा लेकिन खेल मंत्री अपने धुन में आंकड़े गिनवाते रहे। इस कोशिश में कि हार का जिम्मा सरकार के सिर माथे ना फूट जाए, सरकार पर लापरवाही का आरोप ना लग जाए। खेल मंत्री ने बताया कि सरकार की तरफ से विनेश को पेरिस ओलंपिक में कुल 70,45,000 रुपए की मदद दी गई। इनमें टॉप्स के तहत 53,35,000 रुपए, ACTC के तहत 17,10,000 रुपए दिए गए। मनसुख मंडाविया यही नहीं रुके, उन्होंने विनेश फोगाट को दी गई सहायता से जुड़ी एक एक सूची जारी की, जिसमें उनके सभी कोच के नाम भी शामिल थे और ये बताया कि उनके खेल में गजब का परिवर्तन सरकार की सोच की वजह से आया है। मुकाबला करना था, जहां तक उनकी तैयारी हेतु सहायता का प्रश्न है, भारत सरकार ने विनेश फोगाट की उनकी आवश्यकता के अनुसार हर संभव सहायता प्रदान की है। उनके लिए पर्सनल स्टाफ भी नियुक्त किए गए हैं, जो अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं। उनके साथ हंगरी के विख्यात कोच ओलेर अकोस और फिजियो अश्विनी पाटिल हमेशा रहते हैं। इनको ओलंपिक के लिए इनके अतिरिक्त व्यक्तिगत सहायक स्टाफ जैसे विभिन्न स्पारिंग पार्टनर्स, स्ट्रेंथ ऑफ कंडीशनिंग विशेषज्ञ के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई, जिसका विवरण इस प्रकार है। ओलेर अकोच कोच के रूप में उसके साथ थे, वैन पैट्रिक लॉम्बार्ड स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग विशेषज्ञ, अश्विनी जीवन पाटिल फिजियोथेरापिस्ट, मयंक सिंह गरिया स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग विशेषज्ञ, शुभम और अरविंद स्पारिंग पार्टनर। हैरानी की बात है कि जब देश को सरकार से विनेश को सपोर्ट की उम्मीद थी, ये आस थी कि युद्ध रुकवाने वाले मोदी जी विनेश को एक मौका और दिलवाने का प्रयास करेंगे, ऐसे में उनके मंत्री खर्चों की लिस्ट गिनवा रहे थे, अपने दामन को पाक साफ दिखाने की कोशिश कर रहे थे।